दिया है और 5 वर्षों के लिए दिया हुआ है कर्ज, और ब्याज की दर जो है वो 10% है और स्थायी हर वर्ष यही 10% का ब्याज लगाया जाएगा। तो फिर अपन सबसे पहले तो 5 वर्षों के लिए ब्याज दिया है, तो पहले 5 वर्षों का ब्याज में निकालना है, पहले 1 वर्ष का निकालना है। 1 वर्ष का अपन ने ब्याज निकाला तो 5 लाख रुपए का 10%, तो अपना 1 वर्ष का ब्याज आ गया 50,000। 1 वर्ष का ब्याज आने के बाद फिर हमें चाहिए 5 वर्षों का ब्याज, तो हम इस 1 वर्ष के ब्याज में इंटू कर लेंगे 5 का, तो 5 वर्षों का ब्याज आ गया। 5 वर्ष का ब्याज आने के बाद फिर हमें देखना है कि हमारा कुल कितनी है, कितना अमाउंट है जिस पर हमें किस्त निकालना है। तो कुल हमारा अमाउंट कितना आ जाएगा जरा, कुल राशि है अपनी मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन जो कर्ज दिया गया है वो अपन ने लिखी यहाँ पर 5 लाख, और ब्याज कितना है देख रहे हैं अपन लोग, ब्याज यहाँ पर अपना निकला है 5 वर्ष 2.5 लाख, तो वो अपन ने यहाँ पर लिखा हुआ है टोटल अपन ने जोड़ लिया, तो ऐसा कर हमारी कुल राशि यहाँ निकल कर आ गई। कुल राशि आने के बाद अपन मासिक किस्त निकालना है। मासिक किस्त अपन कैसे निकालेंगे, मासिक किस्त अपन निकालेंगे कुल जो राशि है वो अपन लिख देंगे और नीचे महीनों की संख्या, तो अपन ने यहाँ पर लिखा किस्त, सॉरी अपन ने कुल अमाउंट लिखा महीनों की संख्या लिखी, और अपन इसको सॉल्व कर लेंगे तो अपना आ गया 12,500। ठीक है, इस टाइप से आप किस्त को निकाल सकते हैं। अगर स्थायी पद्धति से ब्याज लगा जा रहा है तो, और अगर खर्च भी लगा रहे हैं तो फिर आपका जो ब्याज है वो हर वर्ष फिर 5 वर्षों का ब्याज ऐसे अलग साल में निकालेंगे। हाँ सर, चक्रवर्ती ब्याज जैसे निकालते हैं ऐसे इसमें अलग रहेगा। इसमें उसमें क्या होता है ब्याज का ब्याज, इसमें क्या होता है अमाउंट कम हो रहा है, कम होगा तो ब्याज भी कम होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 5 लाख में सबको व्यक्ति कुछ किस्त भरेगा, तो भरने के बाद जो राशि बचती है उस पर ब्याज निकले, फिर अगले 1 वर्ष में जितना पेमेंट कर दिया अब जो राशि बची उस पर ब्याज निकालेंगे। तो इसमें अपन हर वर्ष घटते हुए पर ब्याज निकालते हैं, घटते वाले विधि से निकालेंगे, स्थायी वाले से अपन निकालेंगे तो हर वर्ष ब्याज स्थायी स्थायी ऐसे करें। अगर आप घटते वाले चलेंगे तो आपका ब्याज बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि जैसे अभी आपकी राशि जो है वो कितनी है 7,15,000, इस तरह ब्याज लग रहा है टोटल, और मतलब 5 लाख का ब्याज लगा है। अब अगली बार क्या होगा, 7,50,000 में कुछ रुपए भुगतान कर देंगे ना, है ना, कितना भुगतान करेंगे अपन, अपने एक किस्त है 12,500, तो 12 महीनों में अपन जो राशि का भुगतान कर देंगे, फिर जो अमाउंट बचेगा उसका 1 वर्ष का ब्याज निकलेगा, अगले वर्ष और कम हो जाएगा उसका ब्याज निकलेगा, और लास्ट वाले वर्ष में बहुत कम बचेगा अमाउंट, ब्याज बहुत कम हो जाएगा। ऐसे करके अभी आपका टोटल जो ब्याज लगा है ब्याज लगा दिया, फिर पता है क्या रहेगा, यहाँ पर ब्याज रहेगा सिर्फ 5,50,000, तो यहाँ पर कितना अमाउंट आएगा फिर बाद में, इतना आएगा 1 वर्ष के ब्याज के। अगले वर्ष क्या करेंगे, फिर जो राशि जमा हो जाएगी उसके बाद जो अमाउंट बचा माना 4 लाख बचा, फिर इस 4 लाख का रुपये का ब्याज, फिर अगले वर्ष क्या होगा, फिर जो अमाउंट बचेगा उसका ब्याज लेंगे। तो एक तो आपकी विधि स्थायी वाले होती है, अधिकतर आप जब बैंक में जाते हैं कर्ज लेने तो वो अपन को स्थायी वाले बता देते हैं, क्योंकि स्थायी वाले क्या होता है अपन को दर सुनने में कम लगती है, 10% सोचते हैं बहुत कम, लेकिन अगर रिस्क और भर्ती में कर दिया जाए तो फिर तो ब्याज और भी ज्यादा कम हो जाए, फिर आपकी दर ये दर वास्तव में फिर 15-16% के आसपास कहलाएगी, घटते जब 16% 15 लगाएंगे तब जाकर आपका 10% जाएगा नीचे, क्योंकि उसमें हर वर्ष ब्याज कम हो जाएगा, और ब्याज कम होते होते अभी आपका ब्याज लगा है कितना 2.5 लाख, और अगर आप इसी ब्याज को 5 वर्षों तक घटते वाले शेष पर निकालते चले जाएंगे तो आपका जो ब्याज है वो बहुत कम होता चला जाएगा, हो सकता है आपका ब्याज 1.25 लाख या 2 लाख से कम हो जाए, 1.25 लाख ऐसे हो जाए। तो जब अपन कर्ज लेते हैं तो अपन दो तरीके पूछ लेते हैं कि आप किस विधि से राशि दर बता रहे हैं, ये स्थाई है एक साथ आप पूरे अमाउंट का ब्याज निकालेंगे स्टार्टिंग में, या फिर आप 1 वर्ष का ब्याज निकालेंगे अगले वर्ष घटे हुए शेष पर फिर आप ब्याज की गणना करेंगे इस प्रकार से गणना करते हैं, या फिर टोटल अमाउंट पर बाद में ब्याज निकाल लिया फिर उसको किस्तों में बांट ऐसा करते हैं, तो एक साथ ब्याज निकालिए तो ज्यादा ब्याज हो जाता है हर वर्ष।